हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे प्रिजर्वेशन के मेथड के बारे में यानी कि जो कल्चर हमने सेपरेट किया है उसको हम किन मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं अब हमने अभी तक ये देख लिया है कि हम कैसे प्योर कल्चर रिसीव करेंगे हमने हमारे लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रीकिंग मेथड पोर प्लेट मेथड ये सब डिस्कस किए थे अब इसको हम फॉर फ्यूचर यूज हम कैसे इसको प्रिजर्व कर सकते हैं ये सारी चीजें हम देखेंगे ठीक है तो आइए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम प्रिजर्वेशन के एम के बारे में बात करेंगे क्यों कि बेसिकली प्रिजर्वेशन जरूरी क्यों है क्योंकि यानी कि हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारा कोई मोटो या मकसद होना चाहिए तो प्रिजर्वेशन जो है उसके लिए सबसे पहला जो हमारा एम है कि हम उसमें कंटामिनेशन यानी हमारे पास जो प्योर कल्चर है उसमें हम कंटामिनेशन को रोकें दूसरा यहाँ पर जो भी कल्चर हमारे पास है उसको हम फ्यूचर यूज के लिए काम में ले सके उसके लिए भी उसका प्रिजर्वेशन जरूरी है इसके अलावा फ्यूचर यूज के लिए वो वायबल कंडीशन में होना बहुत जरूरी है यानी कि लिविंग कंडीशन में होना बहुत जरूरी है इसके अलावा ये जो प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि जो हमारा कल्चर है उसमें कोई भी जेनेटिक चेंजेस ना हो ठीक है तो इसके लिए हमें ये सारे मेथड यूज करने हैं जो कि हम अब देख रहे हैं सबसे पहले जो मेथड है उसमें जो फॉलोइंग मेथड्स है वो हमारे जैसे हम फ्रेश मीडिया को पीरियडिकली ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरा मेथड जैसे हम स्टराइल सॉइल का यूज कर सकते हैं स्टोरेज के लिए तीसरा मेथड हम फ्रीज ड्राइंग या लाइओफिलाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं या हम लो टेंपरेचर यूज कर सकते हैं स्टोरेज के लिए या हम मिनरल ऑयल यूज कर सकते हैं जो है प्रिजर्वेशन के लिए अब ये मेथड्स कैसे काम करते हैं वन बाय वन वो अब हमें देखना है सबसे पहले हम जो फर्स्ट मेथड है जिसमें हम पीरियडिक ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रेश मीडिया के अंदर हमारे जो ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरियल कल्चर है उसको ठीक है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब कल्चरिंग करना इसका मतलब यह है कि जैसे आपके पास कोई बैक्टीरियल कल्चर है अब आप उसको आपने मीडिया के अंदर रखा हुआ है थोड़ा टाइम बाद जब वो मीडिया वो यानी कि वो जो न्यूट्रिय मटेरियल है जब वो खत्म होने लगेगा तो बैक्टीरियल जो सेल है या माइक्रोवेव सेल है वो धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ेगी इससे पहले ही हमें उसे फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर करना होगा और ये चीज क्या कहलाती है पीरियोडिक ट्रांसफर टू द फ्रेश मीडिया और ऐसा हमें रूटीनली करना है रूटीनली मतलब पीरियोडिकली करना है कि जैसे सपोज दैट कि, कि किसी बैक्टीरिया के अंदर किसी स्पेसिफिक मीडिया में रहने की जो टेंडेंसी है वो करीबन एक महीना है तो हमें उसे एक मंथ से पहले ही एक फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर करना है जिससे उसे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल सके और जो टॉक्सिक वहां जनरेट हुए हैं वो उससे भी वो फ्री हो सके ठीक है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सबकल्चरिंग यानी कि सीधी सी लैंग्वेज में हम इसको कहें तो हम बैक्टीरिया को पीरियोडिकली यानी कि हर टाइम इंटरवल के बाद एक नया घर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो आराम से तसल्ली से उसमें रह सके ठीक है ये जनरली कितने टाइम में ट्रांसफर करना है ये अलग-अलग स्पीशीज -अलग के साथ अलग-अलग होता है ठीक है लेकिन कुछ के अंदर ये कुछ वीक भी होता है और कुछ स्पीशीज में ये कुछ मंथ तक वैरी करता है ठीक है तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि पीरियोडिक ट्रांसफर करने से क्या है कि पीरियोडिकली ट्रांसफर करने से हमारा कल्चर जो है वो काफी लंबे टाइम तक रह सकता है सिर्फ इस मेथड में दिक्कत यह है कि हमें उस चीज उस टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई इतने दिन हो गए हैं अब हमें नया मीडिया बनाना है और कहीं कही ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है क्योंकि हमें बार बार मीडिया बनाना पड़ता है ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड जिसमें हम बात करेंगे कि हम इसको सॉइल के अंदर स्टोर करें हाँ सॉइल के अंदर स्टोर करने का मैथड थोड़ा सा हमें लग सकता है कि अरे सॉइल में कैसे स्टोर कर रहे हैं बल बिल्कुल हम इसको सॉइल हम माइक्रोबियल कल्चर को सॉइल में स्टोर कर सकते हैं इसके लिए हम सॉइल को पहले ऑटोक्लेव करते हैं करीबन दो बार ठीक है सॉइल को ऑटोक्लेव करने के लिए जो है हम ऑटोक्लेव यूज करेंगे अच्छा इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि सोइल में जो स्टोरेज करने वाली जो स्पीशीज हैं वो जनरली स्पोरुलेटिंग स्पीशीज होंगी यानी कि जो यानि कि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगी यानी कि जिनमें जो एंडोस्पोर जैसी स्ट्रक्चर अगर बन सकती है एंडोस्पोर जैसी स्ट्रक्चर अगर बन सकती है तो उन बैक्टीरियाज या उन माइक्रोबियल स्पीशीज को हम सोइल के अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं इसमें सबसे पहले हम जो सोइल लेंगे उसे हम करीबन दो बार एटलीस्ट हम उसको ऑटोक्लेव करेंगे ताकि उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट जो सॉइल है soil के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट माइक्रोब सिस्टम है वो हट जाए फिर उसमें हम एक एम एल सस्पेंशन इनोकुलेट करेंगे और फिर उसको इंक्यूबेट कर देंगे पांच से दस दिन के लिए रूम टेम्परेचर जनरली फंगस क्या करती है कि अगर सॉइल के अंदर थोड़ा भी मॉइस्चर है या आ, हो सकता है कि फंगस के अंदर खुद का जो मॉइस्चर है उसको वो अपने इनिशियल फेज के लिए यूज करेगी लेकिन जब उसे ऐसा लगेगा कि वो अपने चारों तरफ एक एंडोस्पोर फॉर्मेशन कर लेगी ठीक है और इन्हें जनरली उन उस तरह की सॉइल को हम बॉटल्स में भर देते हैं और फिर हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं ये बहुत अच्छा तरीका है और करीबन इसकी जो वायबिलिटी है मतलब इस तरह के प्रिजर्वेशन मेथड में हम माइक्रोबियल स्पीसी को करीबन सत्तर से अस्सी साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आते हैं हम थर्ड मेथड पे दैट इज द फ्रीज ड्राइंग मेथड और इसके अंदर इस मेथड को हम लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं सबसे पहले जो फ्रीज ड्राइंग मेथड है इसमें दो वर्ड इंक्लूड है फ्रीज और ड्राइंग ठीक है यानी कि हमें ठंडा करना है और जो है सुखाना है ठीक है अब कैसे ठंडा करके और सुखाना है ये हम देख लेते हैं कोई भी अगर सेल uh, सस्पेंशन या माइक्रोबियल सस्पेंशन हमारे पास है सबसे पहले हम उसके अंदर जो भी वाटर या जो भी उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम करीबन 60 से 70 माइनस सेवन सिक्सटी से 70 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम फ्रीज करेंगे ठीक है माइनस मतलब जो भी हमारे पास बैक्टीरियल कल्चर या फंगल कल्चर है उसको हम करीबन माइनस सिक्सटी से माइनस सत्तर डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसमें टच करेंगे मतलब उसको एसोसिएट करेंगे वैक्यूम लाइन से देखिए मैंने लिखा है हाई वैक्यूम लाइन ठीक है हाई वैक्यूम लाइन से क्या होगा कि जो सिक्सटी टू सेवनटी डिग्री माइनस सिक्सटी टू सेवेंटी डिग्री की वजह से जो भी उसमें आइस फॉर्मेशन हो जाएगा भाई इतने टेम्परेचर पे तो आइस बन ही जाएगा तो वो आइस क्या होगा सब्लिमेट हो जाएगा यहां पर वो आइस क्या करेगा कि वो सब्लिमेशन प्रोसेस पे चला जाएगा और सीधे सीधे वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो उससे क्या होगा कि वहां पर जो आइस जो कि हमारे माइक्रोबियल बा कल्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती थी वो अब नहीं करेंगी ठीक है इसके अलावा जो ये देखिए यहां लिखा हुआ है आइस प्रेजेंट इन द फ्रोजन सस्पेंशन Under the मतलब हम जो ice, जो हुआ है, उसको फटाफट से वैक्यूम के थ्रू हम सब्लिमेट कर देंगे अब बिल्कुल भी नहीं है ठीक है जिससे क्या होगा वो मेटाबोलिक एक्टिविटीज को स्टॉप कर देगा ठीक है आप ये जानते हैं कि जहां पर मॉइस्टर कंटेंट होता है वहीं पर ही दूसरे माइक्रोब्स या दूसरे बैक्टीरिया पनपते हैं ठीक है और अब जिस बैक्टीरियल सेल में या जिस फंगल सेल में डिहाइड्रेशन हो चुका है वो अब खुद भी अपनी जो है एक्टिविटीज को स्टॉप कर देगा और किसी दूसरे बैक्टीरिया या किसी दूसरी स्पीसीज को भी जनरेट नहीं होने देगा ठीक है और इसीलिए यहां पर इनको ये जब डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं और इसी यहाँ पर ये करीबन इसकी जो बाइब्रिटी है वो कुछ इयर्स तक होती है इस तरह से ये जो इस तरीके का सॉल्यूशन जो हमको सस्पेंशन मिलता है उन्हें हम छोटे छोटे वायल्स में स्टोर कह सकते हैं वायल्स कैसी होती है कभी आपने इंजेक्शन लगाया हो तो इंजेक्शन को वो पहले एक कांच की एक छोटी सी अः कह सकते हैं कि जो है इस तरीके की इस तरीके की छोटी सी वायल आती है है ना जिसमें वो सबसे पहले इससे इसको जो है इसका कैप तोड़ता है और फिर इंजेक्शन निकालता है ठीक है तो जो वायल्स हैं वो उसके अंदर छोटी छोटी वायल्स में हम इसको स्टोर कर सकते हैं करीबन और या तो हम इसको रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर कर सकते हैं वो भी एक अच्छा तरीका है

हम हमारे पास जो प्योर कल्चर जो हमने सेपरेट किया है अलग अलग मेथड से उसे हम करीबन करीब से फोर डिग्री सेल्सियस यानी कि जीरो से चार डिग्री सेल्सियस तक जो है स्टोर करके रखते हैं रेफ्रिजरेटर में में या किसी भी कोल्ड रूम में हम स्टोर कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो सकती क्यों क्योंकि इतने टेम्परेचर पे कुछ जो रजिस्ट्र बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो कर जाते हैं ठीक है तो बहुत लंबे टाइम तक इसकी इसकी वायबिलिटी नहीं है करीबन दो तीन वीक तक रखना हो या फंगस के केस में तीन चार मंथ तक भी रह सकता है लेकिन हम सोचे कि इसको जो है दस बारह महीने के लिए रख दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है होता क्या है इसमें इनकी ग्रोथ जो है जो बैक्टीरियल या माइक्रोबियल सस्पेंशन है उसकी ग्रोथ रिटार रिटार्ड हो जाती है और अगर इसको हम लंबे टाइम तक रखें तो क्या हो जाता है कि वो न्यूट्रिय को धीरे धीरे यूटिलाइज करते जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट करते जाते हैं मीडियम में जो कि उन्हीं के लिए टॉक्सिक होते हैं ठीक है और हो सकता है कि अगर हमने टाइम पे इनको नहीं बदला है तो वो उनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है तो इसीलिए हम इसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं रख सकते ठीक है तो इसीलिए रेफ्रिजरेशन का शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अच्छा है लेकिन लंबे टाइम तक ये मैथड उतना अप्रोप्रिएट नहीं है नाउ कम टू द क्रायो प्रिजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन लॉन्ग ड्यूरेशन मैथड है इसमें करीबन हमारा जो कल्चर है वो करीबन दस से तीस साल तक प्रिजर्व हो सकता है इसमें जो Uh, हमारे पास सेल सस्पेंशन है उसे हम लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर करीबन माइनस वन डिग्री सेल्सियस होता है वहां तक हम इसको मेंटेन करते हैं ठीक है इतना टेम्परेचर हम किसकी हेल्प से जनरेट करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से ठीक है और यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से इतना टेम्परेचर जब हम जनरेट करते इतना लो टेम्परेचर जब हम जनरेट करते हैं तो इसके साथ साथ हमें कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डालने पड़ते हैं वो स्टेबलाइजिंग एजेंट है जैसे ग्लिसरोल डायमिथाइल सल्फोक्साइड जिसे हम डीएमएसओ भी बोलते हैं ये हम डालते हैं ताकि इतने कम टेम्परेचर सेल डैमेज ना हो पाए ठीक है और इस तरीके के मेथड की जो वायबिलिटी है वो करीबन 10 से 30 साल है ठीक तो क्राइप रिजर्वेशन में जो रेफ्रिजरेशन के कंपैरिजन में ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सही और अप्रोप्रिएट मेथड है नाउ कम टू द मिनरल ऑयल मेथड मिनरल ऑयल मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं मिनरल ऑयल के अंदर हम यहाँ पर जो हमारे पास जो हमारे पास स्लांटिंग कल्चर मौजूद है स्लैंटिंग कल्चर कैसा होता है कि ये हमारे पास माइक्रोब है और इसके अंदर हमने जो मीडिया तैयार किया है वो थोड़ा सा जो है स्लैंटिंग वे में किया है ठीक है स्लैंटिंग वे में करने से क्या होता है कि और उसके बाद यहाँ पर हमने जो है बैक्टीरियल कल्चर ग्रो कर लिया है ठीक है ये हमारा ये बैक्टीरियल कल्चर हो गया ठीक है अब यहाँ पर ये ये हमने ये स्लांटिंग में जो स्लांटिंग पोजिशन है उसमें बैक्टीरियल कल्चर या माइक्रोबियल कल्चर डेवलप कर लिया है और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम उस स्लांटिंग को चीज जो है हमारे पास उसमें हम लिक्विड पैराफिन डाल देते हैं यानी कि इसके अंदर हमने क्या करा कि लिक्विड पैराफिन डाल दिया यानी कि हमने इसके ये इसके अंदर ये लिक्विड पैराफिन डाल दिया ठीक है उससे क्या हो जाता है कि अगर आपने इस चीज को समझा हो कि जो लिक्विड पैराफिन है या कोई भी तरीके का जो ऑयल है वो चीजों को प्रोटेक्ट करके रखता है क्यों क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की लिमिटेशन हो जाती है अगर आपने घर में देखा हो कि मम्मी अचार बनाती है तो अचार में बहुत सारा या तो ऑयल डाल देती है बहुत सारा शक्कर डाल देती है उससे क्या होता है कि उससे जो माइक्रोब्स हैं उस ऑयल की वजह से वो उसमें पनप नहीं पाते तो सेम चीज हमने यहाँ की है कि जो माइक्रोव जो दूसरे माइक्रोब्स हैं वो अगर आएंगे तो वो उस लिक्विड पैराफिन की वजह से उसमें डेवलप नहीं हो पाएंगे और उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी ठीक है ये भी प्रिजर्वेशन का बहुत अच्छा मेथड है जो कि जो कॉस्टली भी नहीं पड़ता है बहुत ज्यादा और इसमें अलग अलग बैक्टीरियल स्पीसीज के लिए अलग अलग जो है ड्यूरेशन है जैसे एजो एजोटोबैक्टर और माइक्रोबैक्टीरियम के अंदर करीबन सात से दस साल है और बेसिलस के अंदर आठ से बारह साल है ठीक है तो यहाँ पर हमने ये सारे मैथड डिस्कस किए हैं कि वन बाय वन हमने सारे मैथड डिस्कस किए हैं कौन कौन से हमारा फ्रेश मीडिया में इसके अलावा लो टेम्परेचर और यहाँ पर मिनरल ऑयल के थ्रू प्रिजर्वेशन ठीक है तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो यहाँ पर जो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा थैंक यू